हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश तिवारी फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एसिड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब एसिड्स क्या होते हैं? अब एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं। हमारे एक आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, हालांकि जो केमिस्ट्री में डिस्कवरी करते हैं उन्हें हम केमिस्ट कहते हैं। तो एक केमिस्ट थे वो, उन्होंने बताई थी एक थ्योरी, अपनी थ्योरी दी थी एसिड और बेसिस के लिए। हम उनके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर डेफिनेशन लेंगे। तो हमारे एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो श्योर है, श्योर मतलब खट्टा, और जो कि लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं फ्रॉम ब्लू टू रेड। और जब हम उन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तब H प्लस आयंस क्या करते हैं, वो आयनाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है इसकी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि आधी अधूरी चीज़ लिखनी है हमें, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, श्योर का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा। और जो कि कलर लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, कहाँ से? ब्लू टू रेड। और जब भी हम उन्हें पानी के अंदर डिजोल्व करें तो वो क्या करते हैं? H प्लस आयंस को आयनाइज करते हैं। अब एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से नोट करना उसे और ध्यान से सुनना। अब ये एसिड्स है, एसिड्स का मतलब ये नहीं सिर्फ H प्लस आयंस ही डिजोल्व करेंगे, नहीं, OH माइनस भी आयंस भी डिजोल्व करेंगे, लेकिन H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो ज़्यादा होगी OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन की कंपेरिजन में, ठीक है। तो H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से, इसीलिए हम इसे एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई, मैं एक बार शुरू से पढ़ के आपको समझा देता हूँ। वो सब्सटेंसेस यानी वो चीज़ें जिनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, और जो कि लिटमस पेपर कलर ब्लू से रेड कर दे, ब्लू लिटमस का कलर रेड कर दे, और जो कि H प्लस आयंस को आयनाइज करे जब हम उन्हें वाटर में डिजोल्व करें, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? एसिड के तो हमने अपनी डेफिनेशन से ही तीन चार प्रॉपर्टी आ जाती है। डेफिनेशन क्या है? वही है, प्रॉपर्टी को मिक्स करके बनाते हैं, वही हमारी क्या है प्रॉपर्टी है, श्योर। सबसे पहले जो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है हमारा? श्योर होता है, खट्टा। सेकेंड चीज़, जब भी हम उन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तब वो क्या करते हैं? H प्लस आयन को क्या करते हैं? आयनाइज करते हैं। सेकेंड चीज, थर्ड चीज़, उनका नेचर क्या होता है? कोरोसिव। अब कोरोसिव का मतलब क्या हुआ? मान लो आप लेबोरेटरी में गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, गलती से आपके ऊपर H2SO4 गिर गया, तो आपका वो हार्ट डैमेज कर सकता है, हार्ट डैमेज इन द सेंस आपका हाथ जला सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया ये कोरोसिव होते हैं, और खासकर कंसंट्रेटेड। मैं आपको आगे समझाऊंगा कंसंट्रेटेड और डायल्यूटेड टर्म्स क्या होती हैं। अब अगली चीज़, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन भी आता है, स्टेटमेंट दे देते हैं वो लोग क्वेश्चन में, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई? एक्सप्लेन। तो आपको रीजन लिखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। कौन से आयंस? जो इसके पास H प्लस आयंस प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास जो है एसिड है वो है H2SO4 है, ये क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको पता है। अब जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा? H प्लस आयंस और SO4 2 आयंस में। तो ये क्या है? ये दोनों आयंस है, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पा रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के? जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हम सब ने नींबू खा रखा है, सबने खाया होगा नींबू, सबके घर में है। तो क्या है सिट्रिक एसिड? उसके अंदर पाया जाता है, नींबू ही नहीं ऑरेंज में भी। ऑरेंज क्या है? संतरा। नींबू की बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। अब आप लोग जो घर पे खाते हो टैंगराइन खाते हो, वो संतरा नहीं होता। संतरा ऑरेंज जो है वो अलग देशों में मिलता है, हमारे देशों में टैंगराइन मिलता है। इसकी स्पेलिंग है TANGERINE, टैंगराइन, ठीक है। हमें भ्रम में है कि वो संतरा है, नहीं संतरा नहीं है वो। अब सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, हम सब ने दही खाई होगी, दही के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। मैलिक एसिड, हम सब ने सेब खाए होंगे, ग्रीन एप्पल में। एक्चुअली क्या है, रेड एप्पल जो है उसमें क्या है कि मिठास ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ग्रीन एप्पल जो है खट्टे होते हैं, उनके अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। अगली चीज़, टैमेराइड यानी इमली। इमली में क्या होता है हमारा? टार्टेरिक एसिड। ग्रेप्स में भी टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। अब अगली चीज़, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब क्या है? सिरका। उसके अंदर सॉरी विनेगर का मतलब होता है सिरका, आई एम सॉरी बच्चों, सिरका होता है विनेगर का मतलब, ठीक है। उसके अंदर वो एसिटिक एसिड से बनता है। टोमेटो में क्या पाया जाता है हमारा? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्हें, हम इन्हें ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ ध्यान से। ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं इन्हें हम? ऑर्गेनिक बोलने का मतलब है कि इनके अंदर कार्बन की प्रेजेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, जो कि अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं। कौन कौन से हमारे? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, बिना हाइड्रोजन के कोई भी एसिड नहीं बन सकता। आप उठा कर देख लो कौन कौन से, चाहे आप HCl को देख लो, या आप HNO3 को देख लो, नाइट्रिक एसिड को देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लो, या आप H2SO4 को देख लो, या आप कार्बोनिक एसिड को देख लो, कोई से भी एसिड को देख लो, या फिर आप CH3COOH, ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड को देख लो आप, या फिर HCOOH मेथनोइक एसिड को देख लो, कोई से भी एसिड को देख लो आप, बिना हाइड्रोजन के कोई भी एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये सब हमारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। क्यों, इसका फॉर्मूला देख लो, कार्बन है यहाँ पर नहीं है, जिसके अंदर कार्बन नहीं है वो कौन सा एसिड है, वो है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।